नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि वर्कआउट एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में एंटर करेंगे जो भी एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे बैक पुशअप, शोल्डर बाइसेप, ट्राइसेप, आप जो भी वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे आपको ट्राइसेप वर्कआउट एनिमेशन वीडियो बनाना है तो आप ट्राइसेप वर्कआउट GIF टाइप करके सर्च करना। अब आप यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार की GIF आ चुकी हैं। यहां से इमेज को कॉपी कर लेंगे या डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। ट्राइसेप वर्कआउट का टेम्पलेट्स आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां नीचे देख सकते हैं आप शो ऑल इमेज फॉर ट्राइसेप वर्कआउट, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें कुछ वीडियो होती हैं जिसमें इस प्रकार का वाटरमार्क आ जाता है। वाटरमार्क वाली वीडियो डाउनलोड ना करें वरना इसे रिमूव करना पड़ेगा। यहां पर देख सकते हैं आप बहुत सी वीडियो ऐसी हैं जिसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं है। टेम्पलेट यूज करना, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार वीडियो पर टाइप करेंगे तो इसके बाद डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इमेज को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद प्ले स्टोर में एंटर करेंगे। प्ले स्टोर में एंटर करने के बाद सर्च बार में टाइप करेंगे यू कट वीडियो एडिटर। यू कट वीडियो एडिटर टाइप करके सर्च करेंगे, इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 4.6 की रेटिंग है और इसके 10 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन करने पर कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस शो होगा। यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। आपको वर्कआउट GIF लेना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एरो पर क्लिक करेंगे। इमेज सेलेक्ट होने के बाद यहाँ प्ले का आइकन शो हो रहा है, यहाँ से वीडियो को प्ले करेंगे। तो नीचे यहाँ वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ स्पीड पर क्लिक करेंगे। अब आप इसकी स्पीड देख सकते हैं 1.4 की है। इसे स्लो मोशन में लाएंगे। स्लो मोशन में लाने के बाद इसमें इसका फर्स्ट स्टेप कैप्चर करेंगे। फर्स्ट स्टेप कैप्चर करने के बाद इसे स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद जहाँ से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहा है, पीछे की जो भी वीडियो है इसे डिलीट कर देंगे। आगे की वीडियो बची है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिलीट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपको कॉपी का निशान मिलेगा, यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप जितने भी चाहे स्टेप कॉपी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चाहे इसे और भी स्लो मोशन में ला सकते हैं। इसके बाद म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, म्यूजिक लगाने के लिए म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से म्यूजिक सेलेक्ट करने के बाद यूज पर क्लिक करेंगे। स्पीड को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, म्यूजिक को जितना चाहे उतना हटा सकते हैं। उसके बाद राइट वाले निशान पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यूजिक लग चुका है। इसमें कुछ भी वीडियो में लिखना चाहते हैं तो टेस्ट पर क्लिक करेंगे। ट्राइसेप वर्कआउट एनिमेशन वीडियो के बाद राइट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी टेस्ट ऐड किया है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे। कलर चेंज करने के बाद आप इसका हैंड राइटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आइकन पर क्लिक करेंगे। टेस्ट ऐड किया है इसे एनिमेशन में लगाने के लिए एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, बीजी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले आप इसका रेशियो सेट कर लेंगे। यदि आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो 3:4 रखेंगे। इस प्रकार से रेशियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी चाहे कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बीजी पर क्लिक करेंगे, आप इसमें और भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में राइट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ राइट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका रेशियो, कलर और बैकग्राउंड सभी सेट हो चुका है। उसके बाद आपको ऊपर सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। इसका रिजोल्यूशन आप देख सकते हैं, 720 पिक्सल लगना चाहते हैं तो यहाँ से चूज करेंगे। इसका फ्रेम रेट देख सकते हैं।
मैं इसे 25 कर लेता हूँ। नीचे आपको क्वालिटी का ऑप्शन, जैसे आपको मीडियम रखना है तो मीडियम पर क्लिक करेंगे, या आप लो रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसे मीडियम पर रहने देता हूँ। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ऐड आएगा, ऐड को स्किप कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो सेव हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।